जींद के हाडवा गांव में करोड़ों की पुरानी करेंसी मामले में आया बड़ा अपडेट। डीएसपी जितेंद्र खटकर ने बताया कि सही और पूरी जानकारी सरगने के मुख्य आरोपी सुनील के पकड़े जाने के बाद चल पाएगी। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कल रात्रि को पिल्लूखेड़ा में तैनात एसआई नरेंद्र कुमार को सूचना मिली थी कि संजय वासी हाडवा अपने साथियों हरदीप वासी जयसिंहपुरा, भारत भूषण वासी असंध, मस्किन निवासी दुराना के साथ मिलकर अपने घर हाडवा में पुरानी भारतीय करेंसी के नकली नोट अपने घर मशीन से तैयार करके अपने साथी सुनील, जो पानीपत का रहने वाला है, उसके माध्यम से कमीशन पर देते हैं, जो आज आल्टो गाड़ी में भरकर बाहर ले जाने की फिराक में है। जिस सूचना पर अपनी टीम तैयार करके लोकेश कुमार नायब तहसीलदार पिल्लूखेड़ा व एक फोटोग्राफर के साथ आरोपी संजय के मकान गांव हाडवा में पुलिस पहुंची, जहां चार व्यक्ति एक कमरे में बैठे मिले, जिन्हें टीम द्वारा काबू किया गया, जिनके पास से चार बैग व पांच कट्टों को खोलकर चेक किया गया, जिनमें से पुराने 1,000 व 500 रुपये के सरकार द्वारा बंद किए गए पुराने करेंसी के नकली नोट मिले। इसके अलावा मकान की तलाशी के दौरान एक फोटोस्टेट मशीन, रुपए तैयार करने वाली एक कटर, एक बॉक्स, एक ड्रम तथा एक क्लीनिंग ब्लेड बरामद हुआ है। आरोपी संजय 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। भारत भूषण का असंध में पेट्रोल पंप है, जिस पर हरदीप बतौर सुपरवाइजर नौकरी करता है। वह आरोपी मस्किन अपंग है, जो घर पर ही रहता है। पूछताछ पर मुख्य आरोपी संजय ने बताया कि मेरी जान पहचान सतीश पानीपत निवासी के साथ है, जिसने उसे कहा था कि वह पुराने नोटों के 25% नए नोट दिलवा देगा। सतीश ने आरोपी संजय से कम 20 करोड़ रुपए पुरानी करेंसी की मांग की थी, जिसके लिए आरोपी संजय ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर काम किया था। देखिए, कल 10 तारीख को पिल्लूखेड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हाडवा से हमारे एक एएसआई जो पिल्लूखेड़ा थाना में ही तैनात हैं, उनको दौराने गश्त एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के कुछ लोग जो भारतीय पुरानी करेंसी है उसको नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने की डील कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करते हुए मौके से 4 लोगों को राउंड अप किया और कुछ बैग और कट्टों में जो पुरानी करेंसी है उसको बरामद की है, जिसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात करवा के, नियुक्त करवा के, उनकी मौजूदगी में जब नोटों को गिना गया था, टोटल 8,42,60,000 की ये करेंसी थी। इस पुरानी भारतीय करेंसी में कुछ पुराने असली नोट थे और बाकी प्रिंटेड नोट थे, जिनको प्रिंट करने के लिए जो फोटोस्टेट की मशीन वगैरह यूज़ की जा रही थी, शाही यूज़ की जा रही थी, कटर यूज़ किए जा रहे थे, उनको भी हमारी टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में हमने आईपीसी सेक्शन 420, 489 ए, सी और डी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभी मामले की जो तफ्तीश आगे करते हुए 4 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक जो मुख्य इसमें आरोपी है संजय पुत्र सज्जन सिंह वासी हाडवा, हरदीप पुत्र महावीर वासी जयसिंहपुरा, भारत भूषण पुत्र सुंदरश्याम वासी असंध, मस्किन पुत्र मंजीत वासी जुड़ाना। इन चारों ने मिलके ये सारी की सारी जो डील थी वो कर रहे थे और प्रारंभिक जो इनसे पूछताछ की गई उसमें ये बात सामने आई है कि इस पुरानी करेंसी को ये नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए ये सारा कार्य कर रहे थे और इसका जो इन्होंने परसेंटेज रखा हुआ था वो लगभग 20-25% पे ये आगे इसको एक्सचेंज करते और यहाँ से इसे 10-15% पे करते, और जो पुरानी करेंसी को नई करेंसी के साथ एक्सचेंज करने के लिए ये पूरे का पूरा वाक्य किया जा रहा था। इसमें जो आगे का मास्टरमाइंड है सुनील, वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि वो आगे इस पुरानी करेंसी को किस तरीके से यूज़ करने वाला था, वो सारी बातें दौराने जाँच आगे सामने आएंगी। तो सुनील कहाँ का है? ये सुनील पानीपत का रहने वाला है, पानीपत के डिस्ट्रिक्ट पानीपत के एरिया का रहने वाला है और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस ने सारा सामान वगैरह उपलब्ध करवा दिया इसको? देखिए, सुनील आगे डील करवाने के लिए सुनील की भारत भूषण के थ्रू संजय से डील हुई थी और संजय ने ये आश्वासन दिया था कि मेरे पास पुरानी भारतीय करेंसी के नोट उपलब्ध हैं जिनको मैं आपको दे सकता हूँ। तो आगे से जो इसके पास भारत भूषण के थ्रू सुनील ने डील की,
कि आप हमें पुरानी करेंसी के नोट दीजिए और उसके बदले हम आपको जो तय की गई इनकी परसेंटेज थी लगभग 20% के आसपास नई करेंसी के नोट उनको उपलब्ध करवाते। और कल जब इनकी ये डील होने वाली थी तो उसी डील के दौरान हमारी टीम को ये सूचना प्राप्त हुई और उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। तो नई करेंसी कितनी है सर, पुरानी कितनी है? देखिए, ये जो कल मौके से बरामद की गई है वो सारी की सारी पुरानी करेंसी है। उस पुरानी करेंसी में कुछ नोट उस समय के असली नोट हैं और ज़्यादातर जो नोट हैं वो पुराने प्रिंटेड नोट हैं। तो सर कितने दिनों से नोट छापते? देखिए, ये अभी आज हमारी टीम इन चारों को लेके कोर्ट में गई है, इनका रिमांड लिया जाएगा और दौरान रिमांड ये सारी की सारी बातें इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, ये कब से ये ऐसा काम कर रहे थे और इनका आगे इस करेंसी को यूज़ करने का क्या तरीका था। सुनील के बारे में अभी प्रारंभिक जो सूचना आई है कि वो इसी तरीके के पुरानी करेंसी के नोट एक्सचेंज करने की डील्स को एग्जीक्यूट करवाता था और इनकी क्या मंशा रही है वो अभी सुनील की गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगी। देखिए, पिल्लूखेड़ा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव हाड़वा में ये डील हो रही थी और वहीं पर एक्सचेंज करने लग रहे थे। मौके से ही इन चारों और जो इनके पास कट्टे और बैग थे जिसमें पुरानी करेंसी थी, इनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें कोई बैंक का कर्मचारी भी शामिल है? इन चारों का क्या बैकग्राउंड है? इन चारों की जो मैंने आपको डिटेल बता दी है कहाँ के रहने वाले हैं, बाकी जो डिटेल सूचना है वो इनकी जो अभी रिमांड ले हम लेंगे दौरान रिमांड ही क्लियर कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या काम करने वाले थे, इनकी क्या हिस्ट्री रही है और ये कैसे आपस में जुड़े। कितने दिन का रिमांड? अभी माननीय कोर्ट में इनको पेश करने के लिए लेके गए हैं, जैसे ही हमारी टीम आ जाती है तो हम इसके बारे में आपको अवगत करा देंगे। पुलिस को इसमें अंदेशा है कि और भी इनका गिरोह होगा इसमें? देखिए, बिल्कुल, अभी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक पेंडिंग है और उससे आगे कौन जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये चीज आगे तक जा सकती है। तो सर कुछ पता लग पाया कहाँ गाल सप्लाई करते थे? ये सारी अभी तक मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ से जो डील थी वो सुनील को ये नोट जो पुरानी करेंसी के नोट है वो हैंड ओवर करने की थी। आगे सुनील का क्या चैनल था, वो इसे किस तरीके से यूज़ करता, वो सारी की सारी बातें अभी दौरान तफ्तीश क्लियर की जाएंगी। सर उनके पास में मशीन भी मिली है फोटोस्टेट की, तो अंदाज़ा लगा सकता है कि पहले भी इन्होंने ऐसे जो नोट बनाए होंगे मार्केट में भी सप्लाई की होंगी। देखिए, अभी जो वहाँ से चीज़ें बरामद हुई हैं और जो करेंसी नोट बरामद हुए हैं उससे ये चीज़ क्लियर है कि इनके पास कुछ पुरानी करेंसी के असली नोट थे और उनको ही मतलब प्रिंट करके पुरानी करेंसी के नए नोट इसलिए बना रहे थे। तो ज़्यादातर नोट जो इनके पास थे वो प्रिंटेड नोट थे। अब उन प्रिंटेड पुराने करेंसी के नोटों को वो किस तरीके से यूज़ करने वाले थे वो सारी की सारी जांच का विषय है। यानी करेंसी नकली थी सर, फर्जी थी? ये भारतीय पुरानी करेंसी थी जिसमें से कुछ 10-15 नोट ही असली थे, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो फोटो स्टेट करने के लिए रखे गए थे और जो उसमें मेजोरिटी रिकवरी है वो पुरानी भारतीय करेंसी की फोटो स्टेट आप कह सकते हैं। देखिए, जो भी इक्विपमेंट ये यूज़ कर रहे थे उसमें फोटोस्टेट मशीन आ जाती है, प्रिंटर आ जाते हैं, शाही आ जाती है, कटर आ जाते हैं, वो सारे का सारा मौके से इनका जो सामान है वो बरामद कर लिया गया। कुल कितने पैसे हैं सर? ये 8,42,60,000 रुपए की अभी तक। ये कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा के उनकी प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करवा के तब ये सारी की सारी काउंटिंग करवाई गई। नहीं, ये बैग्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ थैले और कुछ बैग्स थे जिसमें ये सारी की सारी करेंसी थी। किस धाराओं के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज होगा? अभी जो FIR दर्ज हुई है वो 420 IPC 489 A, C और D के तहत ये मामला दर्ज किया गया। पुरानी करेंसी का सीरियल नंबर है, वो नई करेंसी पे डाले थे? इतनी डिटेल मैं मतलब अभी आपको रिवील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सारे का सारा जो कल बरामदगी की गई है उसको हमने थ्रू प्रॉपर चैनल हमने उसको एक तरीके से सील कर ली है और ये जांच का विषय है कि इसके जांच के दौरान ही पता चलेगा कि वो किस तरीके के सीरियल नंबर यूज़ कर रहे थे, एक ही सीरियल नंबर रिपीटेड था, जो भी बात है वो सारी जांच का विषय है। ठीक, जैसा कि आप कह रहे हैं भाई पुरानी करेंसी, क्या ऐसा भी अंदेशा हो सकता है कि इन्होंने नई करेंसी के भी डुप्लीकेट नोट निकाले? देखिए, अभी तक हमें वहाँ से कोई नई करेंसी के डुप्लीकेट नोट बरामद नहीं हुए हैं और अगर ऐसे कोई आगे बात सामने आएगी तो आपकी नॉलेज में ज़रूर लेके आएंगे। सर, इसमें 1,000 और 500 के पुरानी करेंसी के नोट। ठीक है जी।